हेलो दोस्तों, तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में सारा कुछ हम समझेंगे। उसकी जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है, द मास फ्लो इज सेम एट इनलेट एंड आउटलेट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लो डू नॉट चेंज विद टाइम एट एनी पॉइंट इन द सिस्टम। तो ये तो होगी डेफिनेशन जो कि सब बुक्स में दी होती है, लेकिन इसका मतलब क्या है वो हम समझेंगे जल्दी से। देखिए, जैसे कि सबको पता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जाती है, ना तो हम उसे पैदा कर सकते हैं ना ही हम उसे खत्म कर सकते हैं। तो एनर्जी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। हमारे पास एनर्जी फर्स्ट लॉ भी हमारे पास यही समझाता है कि एनर्जी ना तो खत्म की जा सकती है ना पैदा की जा सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज की जा सकती है। तो हम इसमें क्या समझेंगे, हमारे पास ये समझेंगे कि मेरे पास मान लेते हैं कि एक कोई सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, हम क्या समझेंगे कि हमारे पास ये देखिए एक सिस्टम है, ये हमारे पास एक सिस्टम है कोई, ठीक है, और इसमें मेरे पास इनलेट है, ये देखिए ये इनलेट बना देता हूं इसको, और यहां पे ये कोई आउटलेट बना देता हूं जो कि यहां पे आउटलेट है, ये हमारे पास आउटलेट है, ये आउट ये इन, इनलेट और आउटलेट यहां पे है। तो ये कहता है कि जो नंबर वन यहां पे इनलेट पे होगा, जो हमारी प्रॉपर्टीज होगी, जो हमारी एनर्जी होगी, वही हमारी नंबर टू पे भी होगी, वो ये समझाना चाहता है। और मास फ्लो रेट का क्या बात कर रहा है कि जितना मास पर फ्लो होगा यहां से एंटर होगा उतना ही मास फ्लो यहां से भी उतना ही होगा, कि मास अंदर एक्यूमुलेट कुछ नहीं हो रहा, पूरे का पूरा जो मास एंटर कर रहा है यहां से वो उतना ही बाहर निकल जाएगा। और दूसरा, एनर्जी नंबर वन पॉइंट पे एनर्जी जितनी होगी, एनर्जी नंबर वन पॉइंट पे जितनी होगी वही एनर्जी, उतनी ही एनर्जी टोटल एनर्जी का, देखिए टोटल बार बार ये कहूंगा टोटल, दूसरे पॉइंट पे एनर्जी का टोटल और पहले एनर्जी पे पॉइंट का टोटल, दोनों एनर्जी का टोटल वो जो होगा सेम होगा नंबर वन और नंबर टू पॉइंट पे। तो एनर्जी एट एंट्रेंस should be energy equal to should be equal to energy at exit। तो हमारे पास एंट्रेंस में अगर मैं बोलूं तो इसका अलग अलग फॉर्म है एनर्जी का ना, तो हमारे पास जो जितना हमने समझना है वो देखते हैं हमारे पास किस तरह से है। इसको साफ कर देते हैं यहां से। तो हमारे पास m, देखिए मैं मास को बाहर लेता हूं, तो मेरे पास पहली है काइनेटिक एनर्जी v स्क्वायर बाय 2, और दूसरी है हमारे पास g1 जो कि है पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी है इंटरनल एनर्जी, और एक है हमारे पास p1 v1 वर्क डन वाली एनर्जी। तो हमारे पास इसमें अगर मैं इस साइड से ये कहता हूं कि मैं ये आपको बताना चाहता हूं, इन जैसे मैं कोई पानी गर्म कर रहा हूं ना, तो मैं हीट सप्लाई दे रहा हूं, तो हीट इन जा रही है, हीट अंदर जा रही है, तो हीट इसके अंदर एड अप कर देता हूं मैं हीट, और दूसरी तरफ एग्जिट में जो होगा, हमें एग्जिट में क्या होगा, यही सेम इक्वेशन होगी, जो जहां पे वन आ रहा था वहां पे टू आ जाएगा, वी टू स्क्वायर बाय टू प्लस g2 प्लस इंटरनल एनर्जी टू पॉइंट पे और p2 v2 और प्लस वर्क डन। एग्जिट में जो लाएंगे हम वो हम लेके आएंगे वर्क डन को। तो मेरे भाई, अगर आपने बर्नौलीज इक्वेशन वाला जो वीडियो है मेरा नहीं देखा है तो प्लीज वो देख लीजिए, बर्नौलीज इक्वेशन का जरूर देख लीजिए, मैं ऊपर लिंक दे देता हूं, ठीक है, आपको काफी चीजें ये समझ आएगी। कईयों को ये लगता होगा ये इक्वेशन आई कहां से, ये सब करा क्या रहे हैं, ये इक्वेशन वी स्क्वायर, हमने तो हाफ एम वी स्क्वायर पढ़ा हुआ है ना काइनेटिक एनर्जी। अरे मेरे भाई, एम कॉमन निकाल लिया, कुछ नहीं किया, एम कॉमन निकाल लिया ना यहां पे, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच, एच की जगह पे मैंने जी लगा दिया, जी मतलब जेड,
ठीक है, जेड लगा दिया और इसमें से हम कॉमन निकाल लिया तो जी जी रह गया ना ये। तो इस तरह से आप इन चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, बर्नौलीज़ इक्वेशन जरूर देखो मेरे लिए वीडियो, काफी चीजें आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखिए एंथैल्पी क्या होती है, इसी के साथ चलते हैं, इसी में चलते दोबारा। तो एंथैल्पी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का प्लस पी वन वी वन का प्लस, पी वन लगा दिए, वन लगाइए, टू लगा दिए, जैसे मर्जी, वन अगर टू है तो टू लगा सकते हैं। तो ये कह रहा है कि यू और पी वन वी वन मिलके एच बना देंगे और ये भी मिला के एच बना देंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एम वी वन स्क्वायर बाय टू प्लस जी जी वन प्लस एच वन प्लस क्यू इजिकल टू एम वी टू स्क्वायर बाय टू प्लस जी जी टू प्लस एच टू प्लस डब्ल्यू। ये हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो कहलाएगी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो इस तरह से आप इक्वेशन को बना सकते हैं, समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो है इसकी एप्लीकेशन कि होगा क्या, मतलब स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपने बना ली उसका फायदा क्या है, वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूं। आप नेक्स्ट वीडियो हमारी ऑन कर सकते हैं, अभी लिंक दे रहा हूं।